So guys, I miss for new road enjoy. फाइनली गाइस ने हाथ धो लिया है। आज यहाँ का पंडित जी भी गायब है। हमको 10 मिनट का टाइम है। पहुँच चुके हैं पटना हाजीपुर। फाइनली गाइस हम सब पहुँच चुके हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके गाइस, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। अभी रात के 9:30 बज रहा है और हमको जैसे कि सवेरे निकलना है, तो अभी सोने का टाइम था, इसीलिए मोबाइल को आप चार्ज में लगाते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह। ओके गाइस, अभी हो रहा है 4:45, सवेरे हो चुका है और उठने का मन नहीं कर रहा। कल 2 बजे उठ गए थे लेकिन कल गाड़ी नहीं पकड़ाया, तो आज जाना पड़ेगा। और ठंडा इतना ज़्यादा है, देख सकते हैं पूरा धुने धुन हो गया यार। कसम से आज का ठंडा ऐसा है जो कोई फोन उठाना नहीं चाहता, और 2 आदमी जो जाने से भी इनकार कर दिया है। फिलहाल हम अपना सामान पैक करते हैं, पहले इसको निकालते हैं क्योंकि ये भूल गए थे पिछले बार चार्जर। तो आज भर बस का दत मन से मुँह धो लेते हैं। तो हम आए हैं इधर घर के अंदर और यहाँ से जो है इसका अंदर का सामान, अंदर का सामान सब बाहर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ऊंची दीवार है तो शायद किसी से नहीं होगा, कोई बच्चों भी नहीं कर पाएगा। तो इसको अंदर धरते हैं बाहर। तो इधर ये रहा एक कुर्सी जो कि यहाँ पर बैठ कर हम वीडियो बनाते थे, आज से तो नहीं बनेगा। इस कुर्सी को भी बाहर निकालना ज़रूरी है। और इतना ऊंच दीवार है, देख लीजिए आप यहाँ से इतना ऊंच, तो बहुत इधर अंदर परेशानी होता है। तो इसको फटाफट बाहर करते हैं। सुबह यह मेन बारी है नहाने का, क्योंकि इतना सारा ठंड है, पूरे धुने धुने है, ठंडा इतना है जो हालत ख़राब है। और नहाना ऐसे तो नहाना नहीं है, लेकिन जाने से पहले भगवान सबसे भेंट करना ज़रूरी है, तो इसके लिए तो नहाना ही पड़ेगा। तो एरिया ये थोड़ा कुट्टी जो है इधर थोड़ा कुट्टी काटते हैं, उसके बाद नहा लेंगे, कुछ गर्मी होगा तो, लेकिन नहाना ज़रूरी है। सुबह जिधर ठंड पर ठंड बढ़ता ही जा रहा है, हम कुट्टी उट्टी कुछ नहीं काटे हैं, डायरेक्टे जो है हम मोटर को तार जोड़ कि गर्म पानी उसके अंदर से निकले, उसके बाद जो है नहाने में मज़ा आएगा। ठंडा लेकिन बहुत है यार, इसके लिए खोल रहे हैं। ओ भाई साहब, अभी जो ठंड लग रहा है इसका मजा कोई नहीं होता। 5 मिनट का खिलाया था इसको नहा लेंगे। और ये रहा अपना पानी, फिलहाल पानी गर्म है तो आप नहाई से नहाते 5 मिनट में और मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस नहा तो लिया है, लेकिन इतना ठंड में हालत ख़राब हो रहा है, पूरा धुने धुने है, कुछ कुछ नहीं धुने में बुझा रहा है। सुहाई अभी जो है ये जीन्स और ये शर्ट पहनते हैं और चलते हैं, और हमको ये भी पहनना पड़ेगा क्योंकि ठंडा बहुत है। सुबह जी मैं तो हो गया हूँ रेडी, अब बाकी लोगों को फोन करते हैं वो सब रेडी हुआ तैयारी कि नहीं। ऐसे नहाने के बाद जो है जो ठंडा ज़्यादा नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, तो वो लोग को फोन कर। सुबह चल दिए हैं अभी मंदिर भगवान जी से भेंट करने, वो भी असगर, किसी को हिम्मत नहीं है तैयारी होकर चलने का, ठंडे इतना ज़्यादा है। सो गाइस, आई मिस फॉर न्यू रोड एंजॉय। मुझे जो ये रोड जो बन रहा है इसका एंजॉय हम सब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत चौड़ा। खैर कोई बात नहीं, आएंगे तब तक बना रहेगा। अगर रहते तो यहाँ और वीडियो का जो बैकग्राउंड है ना काफ़ी ज़्यादा गर्दा हो जाता, कोई बात नहीं, आएंगे तो कभी ना कभी वीडियो तो बनकर करेंगे। पंडित जी लोटा होता है तो दे दें, बंदरा बरियारपुर सिमरा होत फिलखी होत पटना, बंदरा बरियारपुर ईद
और बहुत घुमा गुस्सा होकर तो जाबे करे छी त ओने पसंद थोड़ी होता है दो फूल ले लेता सर मेरा भैया तू हो गया 6 बजे खुल जाएगी हमें जल भरना है तो भरते हैं। तो गाइस अभी 5:30 हो चुका है और 6 बजे बस है, तो जल्दी से जाके अब आना ही पड़ेगा। इधर देख सकते हैं काफ़ी सारा जो दुकान सब रहता है सब अभी एक्टिव नहीं है, पूरा बंद है। तो हमको तो जल्दी आप जाना पड़ेगा क्योंकि वो सब लड़का भी रेडी है। तो 20 मिनट का टाइम है, 5:30 हो रहा है, 5:34 तो निकलना पड़ेगा हमको जल्दी। आप पैदल ही आए हैं तो जल्दी आप पहुंचते हैं पहले। सुगा जी यहाँ का पंडित जी भी गायब है। सुगा जी अभी बस गया है रतबारा चौक, वहाँ से रिटर्न लेगा। ताले हमको 10 मिनट का टाइम है, झाले आता है ताले हमको यहाँ आना पड़ेगा। फिलहाल बस वाला का नंबर ले लिया है तो थोड़ा लेट उठ होगा तो फ़ोन करके रुकवा ही सकते हैं, लेकिन टाइम टेबल से चलता है ये बस। यहाँ से गया भी रतवारा से आएगा और यहाँ मतलब रहते फिर जाएगा बंद्रा और बरियारपुर, फिर उन्हें पिलखी दाकर जो है बस पास करता है। गाइस तो यहाँ चल चुके हैं और ये बाइक भी लेकर आ गया। सुगा जी इधर ही ये वाला हाथ तो जो कटाया था तुम्हें चोट लग गया तो खून अभी आ रहा है। फिलहाल हमको सीट मिला है सबसे पीछे, अब विंडो सीट है और लौंडा सा आ गया। अरे पूरा बस खाली है क्योंकि इसमें सिर्फ हम ही सा सवारी है, आगे से अभी पीछे आए हैं और फिर आगे जा रहे हैं। इधर देखिए लौंडा सेल्फी लेने में बिजी है और हम इधर आपसे ब्लॉक स्टडी। पूरा बस मान लीजिए अपना ही है अभी। अरे विंडो ये ऊपर वाला छूते है, सूते वाला के देख धरे वाला देख, चलो ऊपर देख धरते हैं। पूरा बस अभी अपना है, कोई पैसेंजर नहीं है, सब अपने आदमी का है जो अभी ऊपर धर दीजिए हमारा बैग भी कर दीजिए ना, यहाँ तक भरिए ना पूरा अपना ही है। ओ भाई साहब ओढ़ने के लिए धरा है ना, और है खाना भी धर दो रंजीत खाना। हाँ अब आ रहा है खाजा, बस में ऐसे ही है ना चल रहा है। मजाक ब्लॉग यहाँ से देख लो इधर के हवा कैसे ना हो भाई, मोबाइल लग रही है ना फोटो खींचे के चले हुआ है जरा में मोबाइल पर ले या आगे से जब ही मंदिर घूमे। बाय बाय बंदरा, ये सब रोड का सुख हम सा नहीं ले पाएंगे ना, ये नया रोड बना लेते तो। सुभाष जी इधर देख सकते हैं सल्फा सल्फिंग चल रहा है, खींचना तो फोटो। पूरा बस एकदम खाली, काम हमर छूट गेल मंजूर लगे पूजा ना छूट आई सवार है भगवैया जदी ले ली सर भी पूजा है। सुगा जी ये रहा बंदरा, इसको भी हम बाइक बोलते हैं और चलते हैं। सुफानी गाज हम यहाँ अभी पीछे आके बैठ चुके हैं और खिड़की इधर खोल दिया है और अब सोते हैं। अभी हम पिलखी है नाच के जैसे कि जाना है पटना तो सोते हैं क्योंकि बस में थोड़ा मोड़ा चक्कर आने लगता है। तो हम आपसे मिलते हैं, आप पटना मिलेंगे या रास्ता मिलेंगे तो अभी सोते हैं फिलहाल। तो गाइस पहली बार हम पहुंच चुके हैं पटना के ये पुल पे जो कि काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ चल रहा है लेकिन अभी तक जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बड़ा पुल है और बहुत अच्छा इसका लुक भी देखने में लगता है। तो ये एक दो जैसे टू लाइन मान लीजिए वैसे वो इधर से जाने वाला उधर से आने वाला, तो आप देख सकते हैं दो पुल। तो यहाँ पर मैंने कुछ रील बनाए हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप रील को देख सकते हैं। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं पटना हाजीपुर और ये रहा आया हमें बट नहीं तो वो खाना वो पीछे धर गया। सुफाने गाज हम पहुंच चुके हैं दानापुर जंक्शन और चलते हैं इसको अंदर। फाइनली अपना ट्रेन पकड़ा गया है, ये रहा भैया। तो ये रहा कुछ बनारस का सीन, ये है पटना का घाट, ये बनारस घाट है सॉरी,
आप देख सकते हैं वो बनारस वाला घाट हुआ और इधर कोई मंदिर हुआ जो कि बहुत बड़ा है और गंगा जी का वो नदी हुआ के थोड़ी बना लिया नदी के ना बना लिया नदी को बनाया हो कहिया सपना पूरा होगा जो इधर आएंगे चल उतर जो नहीं है नहीं हालत उतर जो बर्बाद इतने के ऑर्डर नहीं मालेगा आज हम सब पहुंच चुके हैं पूरे हेलो गाइस तो आज जो हम सब फाइनली हैदराबाद पहुंच गए हैं और क्या होता है तो हैदराबाद पहुंच गए हैं अब मैं रूम पे जाने वाले हूँ बहुत मज़ा आ रहा है बहुत क्या बताए इतना मज़ा आ रहा है मत पूछो इतना भीड़ था बहुत लेट गाड़ी चला है तो फाइनली हम सब आप रूम पे जाने वाले हैं 11 बज गया है आज देखिए अभी का गाड़ी मिलता है कि नहीं नहीं तो प्लेटफॉर्म पर रहना पड़ेगा पर साल यहाँ का फोटो बहुत अच्छा फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पर और इधर आप देख सकते हैं मेरा रूम हुआ जो अभी लॉक पड़ा है फिलहाल अभी हम नहा धुआ के आ गए बड़के भैया का रूम पर से और इस रूम का जो चाबी हमारे मझला भाई के पास में है जो अभी स्कूल में है तो आ रहे हैं तो ये खोलेंगे और इस सीन बहुत कम ले पाए ब्लॉक्स का फिर भी कोई बात नहीं मोबाइल डिस्चार्ज था बट ठीक तो यहाँ पर रहेंगे तो अभी सीन तो बराबर लेते ही रहेंगे तो लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है जो चैनल पर कंटिन्यू बने रहेगा क्योंकि आप अच्छा अच्छा ब्लॉग्स आएगा सुबह से ट्रेन का सफ़र जो था उसका सीन नहीं ले पाए क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा था जो कि हम मोबाइल का कैमरा तो दूर मोबाइल से बात करने का भी अथी नहीं था लमसम स्टेशन पर से जब आए तो बस यहाँ का नहीं मिला तो रंजीत के रूम पर उधर रुकना पड़ा क्योंकि लग में था और ये बहुत दूर है 12 बज गया तो हम सवेरे में उधर से 12-1 बजे हम दिन में अपने रूम पर आए हैं और अभी 4 बजे से लगे हुए हैं अभी 5:30 हो गया वीडियो एडिट करने में ये वाला ये वीडियो में बहुत सारा सीन था घर से लेकर यहाँ तक और बहुत सारा सीन कटवो किए हैं और अभी ये वीडियो में लगे हुए हैं फिलहाल रूम का चाबी मिल गया है तो हम अभी रूम में वीडियो को एडिट कर रहे थे तो अब मिलते हैं नए नए वीडियो में तो चलिए आज के लिए इतने ही Bye.